नमस्कार, मैं रमेश परिहार, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज के इस वीडियो में हम एमई 201 के सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के टॉपिक कॉलम के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कॉलम तथा यूलर्स इक्वेशन देखी थी। इस वीडियो में हम यूलर्स इक्वेशन की लिमिटेशंस तथा इसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। लिमिटेशंस ऑफ यूलर्स फार्मूला, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा, यूलर्स का जो फार्मूला है वो जैसा स्लाइड में दिखाया गया है, पी इजिकल टू पाई स्क्वायर ई इंटू आई अपॉन एल ई स्क्वायर से दिया जाता है, जहाँ ई मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, एल ई इक्विवेलेंट लेंथ है जो कि कॉलम की एंड कंडीशंस पे डिपेंड करती है, आई जो है लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्सिया है। अगर हम आई को ए इंटू के स्क्वायर लिखें, यहाँ पर स्मॉल के है जो रेडियस ऑफ जायरेशन है, और फाइनली पी अपॉन ए को हम सिग्मा सी आर लिखें, तो यहाँ पर से जो सिग्मा सी आर है वो क्रशिंग स्ट्रेस है, तो क्रशिंग स्ट्रेस का जो फार्मूला है वो हो जाएगा पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई एल ई अपॉन के का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से अगर हम क्रशिंग स्ट्रेस और स्लेंडरनेस रेशियो एल ई अपॉन के को हम स्लेंडरनेस रेशियो कहते हैं, तो इन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें तो ये ग्राफ जो जैसा स्लाइड में दिखाया गया है उसके अनुसार आता है। चित्र से हम देखते हैं कि यदि एल ई अपॉन के मीन स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू अगर जीरो की तरफ होगी तो क्रिटिकल स्ट्रेस होगी वो इन्फिनिटी होगी, लेकिन ये जो है संभव नहीं है क्योंकि इस स्टेज पर आने से पहले ही मटेरियल टूट जाएगा। तो किसी भी कॉलम में जो क्रिटिकल स्ट्रेस या क्रिपिंग स्ट्रेस है उसकी अधिकतम वैल्यू है वो क्रशिंग स्ट्रेस के बराबर ही हो सकती है। अगर क्रिपिंग स्ट्रेस क्रशिंग स्ट्रेस से बड़ी होगी तो उस समय मटेरियल टूट जाएगा। अतः जो क्रिटिकल स्ट्रेस या क्रिपलिंग स्ट्रेस की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो उसकी क्रशिंग स्ट्रेस है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक कॉलम ए बी है जो कि माइल्ड स्टील का बना हुआ है, माइल्ड स्टील के लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो जैसा स्लाइड में दिखाया गया 2.1 × 10⁵ मेगा पास्कल है, इसकी माइल्ड स्टील की जो क्रशिंग स्ट्रेस है वो 330 मेगा पास्कल है, और हम ये मान रहे हैं कि इस केस में कॉलम के दोनों एंड है वो हिंज है। इस वैल्यू को अगर हम यूलर्स फॉर्मूले में रखें तो अपना जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो 80 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपना जो है स्लेंडरनेस रेशियो अगर 80 से कम हुआ तो उसके केस में जो क्रिपलिंग स्ट्रेस है वो क्रशिंग स्ट्रेस से ज़्यादा हो जाएगी और जो है यूलर्स फार्मूला उसके केस में वैलिड नहीं हो सकता। अतः इस पर्टिकुलर केस में यूलर्स फार्मूला है वो उसके लिए स्लेंडरनेस रेशियो की लिमिटिंग वैल्यू 80 है। मींस द स्लेंडरनेस रेशियो अगर 80 से ज़्यादा होगा तभी हम इसमें यूलर्स फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसके केस में इस यूलर्स फार्मूले पर एक ये लिमिटेशंस लग गई कि यूलर्स जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो 80 से ज़्यादा होना चाहिए तभी अपना ये जो फार्मूला है वो वैलिड होगा। तो हम यूलर्स की लिमिटेशंस को इस प्रकार से समराइज कर सकते हैं। पहला है कि ये इफ स्लेंडरनेस रेशियो इज लेस देन सर्टेन लिमिट देन क्रिपिंग स्ट्रेस इज ग्रेटर देन क्रशिंग स्ट्रेस एंड विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, यानी कि अगर स्लेंडरनेस रेशियो एक लिमिट से कम हुआ, जैसे पिछले एग्जांपल में अपने ये लिमिट आई थी 80, अगर एक लिमिट से कम हुआ तो उसके केस में क्रिपलिंग स्ट्रेस है वो क्रशिंग स्ट्रेस से ज़्यादा हो जाएगी और जो कि पॉसिबल नहीं है। अतः यूलर्स फार्मूला जो है ओनली एक पर्टिकुलर स्लेंडरनेस रेशियो की लिमिट जो कि उसके डायमेंशंस एंड उसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है,
तक ही वैलिड है। नेक्स्ट लेते हैं, क्रिटिकल लोड्स डिपेंड्स ओनली ऑन द डायमेंशंस ऑफ द कॉलम एंड डी। जैसा यूलर्स का जो फार्मूला है, उस फार्मूले में हम देखें तो जो क्रिटिकल लोड है वो सिर्फ उसके डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा है, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कॉलम पे डिपेंड कर रहा है, कॉलम के मटेरियल की स्ट्रेंथ पे जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, ये जो यूलर्स फार्मूला है ये सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए ही वैलिड है। और लास्ट लिमिटेशन है कि एक्चुअली जो कॉलम होता है वो एकदम से परफेक्टली स्ट्रेट नहीं होता है। अब हम यूलर्स फार्मूले से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करते हैं। पहली प्रॉब्लम में दे रखा है 6 मीटर लॉन्ग कॉन्क्रीट कॉलम हैविंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 200 kN/mm² एंड द क्रॉस सेक्शन 120×80 mm इज यूज इन ए बिल्डिंग। Determine the maximum allowable axial load the column can support so that it does not buckle. Take factor of safety of 2. तो हमें यहाँ पर एक कॉलम दे रखा है, उसके डायमेंशन है 180×80 mm, मीन्स ये जो कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है वो एक रेक्टेंगल है, उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है और इसकी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 2 है। इसके लिए जो है हमें मैक्सिमम अलाउबल एक्सियल लोड, लोड हम कितना लगा सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। दो कंडीशंस दे रखी है, पहली कंडीशन है कि अगर कॉलम के दोनों एंड पिंड हो, और दूसरी कंडीशन है कि अगर कॉलम के दोनों एंड फिक्स्ड हो। तो इस क्रिटिकल लोड को डिटरमाइन करने के लिए हम सबसे पहले कॉलम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है कि रेक्टेंगल सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है 1/12 b × h³। तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के सापेक्ष इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं, जैसा इस स्लाइड में दिखाया गया है। हम देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई सेक्शन है वो इन दोनों में मिनिमम है। इस मींस जो कॉलम है वो अगर बकल होगा तो अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग ही बकल होगा। इसलिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू है वो अलोंग अबाउट वाई एक्सिस लेंगे। तो अपना फॉर्मूले में हम जहाँ पर आई आएगा वहाँ पर हम आई वाई की वैल्यू रखेंगे। अब पहली कंडीशन है कि दोनों एंड है वो पिंड है, दोनों एंड अगर पिंड होते हैं तो इक्विवेलेंट लेंथ होती है वो एक्चुअल लेंथ के बराबर होती है। जैसा फार्मूला यहाँ दिखाया गया उस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर जो कैपिटल के है ये रेडियस ऑफ जायरेशन नहीं है, यहाँ पर कैपिटल के जो है वो इक्विवेलेंट लेंथ और ओरिजिनल लेंथ का रेशियो है, जो कि इसके केस में 1 है। तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे, ई की वैल्यू हमें गिवन है, आई जो हमने मिनिमम निकाला उसकी वैल्यू रखेंगे, के की जगह 1 रखेंगे, एल की जगह एक्चुअल लेंथ रखेंगे, तो अपना क्रिटिकल लोड आ जाएगा। अब चूँकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 दे रखा है तो हम इस क्रिटिकल लोड को 2 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम अलोबल एक्सियल स्ट्रेस आ जाएगी। नेक्स्ट हम कंडीशन लेते हैं जबकि कॉलम के दोनों एंड फिक्स्ड हो। फिक्स्ड के केस में एक्चुअल लेंथ जो होती है, इक्विवेलेंट लेंथ जो होती है वो एक्चुअल लेंथ की हाफ होती है। मींस इसके केस में एक्चुअल लेंथ, इक्विवेलेंट लेंथ एंड एक्चुअल लेंथ का जो रेशियो आएगा वो 0.5 आएगा, यानी कि यहाँ पर के की वैल्यू है वो 0.5 है। तो हम फार्मूले में वैल्यू रख देंगे, फार्मूला है π²e×i/kl². जब फार्मूले में वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू आती है 1122.94 kN। अब इस लोड को हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तो हमारा अलोबल एक्सियल लोड आ जाएगा। इसी तरह एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ए सॉलिड राउंड बार ऑफ 60 mm डायामीटर एंड 2.5 m लॉन्ग इज यूज्ड एज ए स्ट्रट। फाइंड द सेफ कंप्रेसिव लोड फॉर स्ट्रट यूजिंग यूलर्स फार्मूला। इफ बोथ एंड आर हिंड्स एंड बी इफ बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। ई की वैल्यू गिवन है 2 × यहाँ पर ई की वैल्यू जो है वो 2×10⁵ है, 105 नहीं है, ई की वैल्यू 2×10⁵ N/mm² है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 3 है। मीन्स यहाँ पर एक
सॉलिड बार दे रखी है जिसका डायमीटर 60 mm है, लेंथ दे रखी है 2.5 meter यानी 2500 mm, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2×10⁵ न्यूटन पर mm² दे रखा है। तो सॉलिड के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के सापेक्ष सेम होता है और उसका फॉर्मूला होता है I=π/64 d4, डी की जगह हम 60 रखेंगे तो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब पहली कंडीशन लेते हैं, बोथ एंड्स आर फिक्स, पहली कंडीशन लेते हैं बोथ एंड्स आर हिंज्ड। तो जब बोथ एंड्स हिंज्ड होते हैं तो इक्विवेलेंट लेंथ जो होती है वो एक्चुअल लेंथ के बराबर होती है। तो इसमें हम फार्मूले में एल की जगह 2500 रख देंगे। तो फार्मूला है π²E×I/L², इसमें E की वैल्यू, I की वैल्यू और L की वैल्यू पुटअप करने पर अपना जो आंसर आता है क्रिटिकल लोड 200.92 kN आता है। इसको हम जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं तो अपना सेफ अलोबल लोड जो है वो आ जाता है 66.97 kN। अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन है कि यदि कॉलम के दोनों सिरे फिक्स्ड हो, जब दोनों सिरे फिक्स्ड होते हैं तो इक्विवेलेंट लेंथ जो होती है वो एक्चुअल लेंथ की हाफ होती है। तो यहाँ पर हम जो है एल ई जो होगा इक्विवेलेंट लेंथ वो L/2 होगी। जब इसमें यूलर्स फार्मूले में एल ई की जगह पर L/2 रखते हैं तो अपने पास जो फार्मूला मिलता है वो आता है क्रिटिकल लोड PCR=4π²E×I/L². यहाँ पर E की वैल्यू हम रख देंगे 2×10⁵, I की वैल्यू जो अपनी आई है वो वैल्यू रख देंगे, L की जगह 2500 रख देंगे। तो जब हम इसमें रख के सॉल्व करते हैं तो क्रिटिकल लोड आता है 803.682 kN। इस लोड को हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे तो अपना सेफ लोड आ जाएगा। अगले वीडियो में हम इसी कॉलम को आगे और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।